मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल बीम फिजिक्स पे। आज बात करेंगे 12th क्लास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एटम की, और एटम चैप्टर में भी वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कई बार नहीं हर बार क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, हर बार क्वेश्चन आता है, और वो टॉपिक है बोर्ड पोस्टुलेट्स। कई सारे स्टूडेंट्स को बोर्ड पोस्टुलेट्स के अंदर कंफ्यूजन रहती है। बस कुछ एक मिनट चाहिए आपका, 10 मिनट चाहिए, बोर्ड पोस्टुलेट्स के ना कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। बोर्ड पोस्टुलेट्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी इस वीडियो को आपको 10 मिनट देखना है और 10 मिनट के बाद आपका बोर्ड का पोस्टुलेट्स लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बोर्ड का पोस्टुलेट्स क्या कहता है। पहला पोस्टुलेट्स, आप सभी को पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर कौन घूम रहा है जी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो कुछ एनर्जी रेडिएट करता है क्या? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो एनर्जी निकालता है क्या? नहीं निकालता है। ये बात मैक्सवेल ने बोला था कि निकालता है, बट बोर ने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इट डज नॉट रेडिएट्स एनी एनर्जी विच इज कॉन्ट्रेरी टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल ने कहा था कि घूमता हुआ पार्टिकल एनर्जी लिबरेट करता है, बट बोर ने उसको काट दिया यार। बोर ने कहा कि नहीं जी, बोर का पहला पोस्टुलेट याद रखिए, लिख लीजिए, क्या लिखना है कि अ मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, इट इज कॉन्ट्रेरी टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये मैक्सवेल के थ्योरी के कॉन्ट्रेरी है, उसको उसके अगेंस्ट हम कह सकते हैं। तो बोर्स का पहला पोस्टुलेट आपको समझ में आ गया होगा। बोर ने क्या कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। पहला पोस्टुलेट याद हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। क्लियर, ये था पहला पोस्टुलेट। Do not radiates any energy. कौन? Moving electron inside around the nucleus. Moving electron around the nucleus. ये पहला point आपको समझ में आ गया। दूसरा point समझते हैं, Bohr का second postulate समझते हैं। क्या कहा था बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट्स में? बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट्स में कहा कि जी इलेक्ट्रॉन है वो उस न्यूक्लियस के चारों ओर सारे के सारे ऑर्बिट में नहीं घूमेगी। इलेक्ट्रॉन ना सारे के सारे ऑर्बिट में नहीं घूमेगी, वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगी जिनकी एंगुलर मोमेंटम, जिनकी क्या एंगुलर मोमेंटम एच बाई टू पाई के मल्टीपल में हो। मतलब अगर न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये हर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, ये केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिनकी एंगुलर मोमेंटम, जो कि एल से डिनोट किया जाता है, एंगुलर मोमेंटम किसके मल्टीपल होगी, एच बाई टू पाई के मल्टीपल में होगी। इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैन मूव कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। केवल और केवल उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगी, केवल और केवल उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगी जिनकी एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई की मल्टीपल हो। बात आ गई समझ में? बिल्कुल ठीक। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं तीसरे पोस्टुलेट्स पे, थर्ड पोस्टुलेट्स, बोर का थर्ड पोस्टुलेट्स। तीसरा पोस्टुलेट्स क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है पहला ऑर्बिट इनिशियल एंड इनिशियल, और ये है फाइनल ऑर्बिट। सपोज करो अभी इलेक्ट्रॉन यहां है, वो पहले अब यहां पे पहुंचा इनिशियल ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन इनिशियल ऑर्बिट से जंप करके फाइनल ऑर्बिट में अगर जाएगा
अगर ऑर्बिट चेंज करेगा, पहला पोस्टुलेट क्या था, अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा जी। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। बट तीसरे पोस्टुलेट में क्या कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तब जाके वो एनर्जी रेडिएट करता है। और वो क्या करता है कि एनर्जी फ्रॉम इनिशियल ऑर्बिट टू एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट, दोनों ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस हमेशा एच न्यू के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, एच न्यू के इक्वल आता है। जहां एच क्या है, एच है आपका प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एच क्या है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको पता ही होगी 6.64 × 10⁴ जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बोर्ड पोस्टुलेट्स एक बार बता दूं। पहला पोस्टुलेट्स, जब भी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमता है, ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है जिन ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई की मल्टीपल हो। एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई की मल्टीपल हो, समझ में आई बात। और तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वो करता है एनर्जी रेडिएट। और वो उसके बीच जब वो ऑर्बिट को जंप करता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है, तो जो एनर्जी रेडिएट होती है वो होती है h न्यू के इक्वल। आप इस वीडियो को पूरी तरह देख करके, बार बार रिपीट करके देख करके, लिख करके बोर के तीनों पोस्टुलेट्स को याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी एटम का बोर पोस्टुलेट्स के हेल्प से, एटम चैप्टर में बोर पोस्टुलेट्स के हेल्प से जो डेरिवेशंस होती है ना किसकी, रेडियस की, काइनेटिक एनर्जी की और टोटल एनर्जी की, उसकी भी वीडियो बहुत ही जल्दी आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। इस छोटे से वीडियो में हमने बोर पोस्टुलेट्स के स्टेटमेंट्स को देखा है, और बोर पोस्टुलेट्स का स्टेटमेंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। अगर ये स्टेटमेंट्स और ये फॉर्मूले आपको याद हो गए, कौन से फॉर्मूले, पहला एल इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई और दूसरा ई आई माइनस ई एफ इक्वल्स टू एच न्यू। एक बात मैं आपको बताना और चाहता हूं कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम एम वी आर भी लिख सकते हैं, तो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। आप बोर के सेकेंड पोस्टुलेट्स को ऐसे भी याद कर सकते हो, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई और एनर्जी ऑफ इनिशियल माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल इक्वल्स टू एच न्यू। ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, इस बोर के तीनों स्टेटमेंट को ना बार बार लिख के रिपीट करके देख लीजिए, और अगर पॉसिबल हो कमेंट में जरूर लिखिए कि बोर के पोस्टुलेट से कौन सा डेरिवेशन आप सबसे पहले चाहते हैं, रेडियस का, टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, या फिर फ्रीक्वेंसी का, कौन सा डेरिवेशन आप बोर के पोस्टुलेट के हेल्प से, सेकेंड पोस्टुलेट के हेल्प से पहले चाहते हैं, आप लिखिए, वो वीडियो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंचाया जाएगा। आई होप दैट बोर के पोस्टुलेट्स इस वीडियो से आपके हो गए होंगे क्लियर। और उन स्टूडेंट तक ना ऐसी वीडियोस को जरूर शेयर करना चाहिए जिनको बड़े बड़े फिजिक्स के टॉपिक से डर लगता है, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग बिल्कुल इजी सिंपल लैंग्वेज में फिजिक्स के डिफिकल्ट और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को देने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने जिस तरह से चैनल को सपोर्ट और प्यार दिया है, मैं दिल से आभारी हूं। आप इसी तरह चैनल को बार बार शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उन स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइए जिनको फिजिक्स अभी भी डिफिकल्ट लगता है। थैंक्स यू ऑल फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग बीइंग फिजिक्स।